हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस क्लास की बात करें अगर तो प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको करवाई थी, वो कौन सी थी अपने पास, दैट इज रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, है ना, मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल सी इक्वेशन है वो अपने को लर्न रखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कि आपके पास जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने पर वो किसका फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस का, हाइड्रोजन गैस। कल कुछ बातें बताई थी मैंने आपको कि वो ही मेटल रिएक्ट कर पाएगी विच आर मोर रिएक्टिव देन, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो। कौन सा एसिड होगा, डाइल्यूट एसिड के साथ जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव। अब मैं आपको एक स्पेशल बात बताने वाला हूँ आज के सर, क्या कि जो मेटल जितनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, लाइक मैं बात करूं अगर आपके पास सोडियम की, पोटेशियम की, दीज आर वेरी रिएक्टिव मेटल, वेरी रिएक्टिव मेटल, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसके कारण से रिएक्ट vigorously with acid, यानी कि बहुत फास्ट रिएक्शन होती है एसिड के साथ में, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव। धीरे धीरे जैसे अपने को पता है रिएक्टिविटी सीरीज में अगर अपन बात करें तो ऊपर अपने पास लिथियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, और नीचे आते आते आपके पास जैसे एल्यूमिनियम वगैरह आ जाते हैं, आयरन आ जाता है। तो उनके साथ अगर रिएक्शन है, तो जैसे एल्यूमिनियम के साथ एसिड अगर रिएक्शन करता है तो आपके पास क्या होगा, रिएक्ट मॉडरेटली, यानी कि धीरे धीरे रिएक्शन करेगा, तो वो रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। और कुछ मेटल्स हैं जैसे यहाँ पे अब आपके पास हाइड्रोजन आ गया, उसके बाद कॉपर आ गया, Ag आ गई, तो इनके साथ नो रिएक्शन विथ ऑफ डाइल्यूट एसिड, कोई रिएक्शन नहीं होती है, ये बातें अपने को ध्यान में रखें। तो जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो वो विग्रेसली यानी कि उसके साथ एसिड जो है वो बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। जैसे जैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे आपके पास रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। एंड आफ्टर द हाइड्रोजन, जो मेटल्स प्रेजेंट है वो कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती। ओके, अब अपन जैसे बात कर रहे थे कल, सर क्या बात कर रहे थे, मैंने कल आपको बताया था कि कॉपर जो है वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता। उसका रीजन भी बता देते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि दैट व्हाई कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4 बट रिएक्ट विथ कंसेंट्रेट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 में रिएक्ट क्यों नहीं करता, बिकॉज it is less reactive, less reactive than hydrogen, because hydrogen से ये क्या है, less reactive, ठीक है, concentrate के साथ ही reaction कर देगा, क्योंकि concentrate H2SO4 में ये क्या हो जाता है, dissolve हो जाता है। कॉपर क्या बनाता है, एक तो आपको बनाता है कॉपर सल्फेट, एक आपको बनाता है H2O और एक आपको बनाता है SO2 गैस को इवॉल्व कर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व कर, सॉरी थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा ना, 2, 3, 4 यहाँ पे आपके पास आएगा 2H2SO4, ठीक है,
हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास फोर, यहाँ पे टू एच टू ओ, सल्फर दो आ गए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इस गैस को अपन कौन सी गैस कहते हैं? सल्फर डाई ऑक्साइड गैस के। अगर आप कंसेंट्रेट के साथ रिएक्शन करा दोगे, रिएक्शन देख लीजिए बैलेंस है ना, एक कॉपर यहाँ है, एक कॉपर यहाँ, सल्फर टोटल टू है रिएक्टेंट के साइड और टू ही आपके पास प्रोडक्ट के साइड है, ऑक्सीजन टोटल फोर टू जो एट है, यहाँ पे फोर फोर टू सिक्स और सिक्स टू कितने हुए एट। हाइड्रोजन की बात करें तो फोर है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं फोर है, मीन्स रिएक्शन बैलेंस। तो अगर आप लोग रिएक्शन करवाते हो कॉपर की डायल्यूट H2SO4 के साथ, देन नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। बट अगर आप कंसेंट्रेट H2SO4 के साथ करवा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन की डिमांड ये भी हो सकती है कि इफ कॉपर रिएक्ट विथ कंसेंट्रेट H2SO4 देन विच गैस इज इवॉल्व। तो आपको तो पता है कि एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ करवा देंगे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। आप हाइड्रोजन का आंसर भी लिख दोगे बट वो गलत हो जाएगा, बिकॉज कंसेंट्रेट H2SO4 के साथ अगर कॉपर रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देगा। क्लियर है? चले आगे, सही, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है आपके पास, या नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विद, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपन मेटल बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल बाइकार्बोनेट। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ अगर एसिड की रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन करवाने पर कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये अपने को देखना है। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि सर आप हमें ये बताइए कि मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं। आप हमें पहले ये बताइए कि व्हाट इज द मेटल कार्बोनेट। देखो बच्चों, मेटल कार्बोनेट की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें दो टाइप के आयन होंगे, एक तो आपके पास होगा मेटल आयन और एक आपके पास होगा कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन, मेटल आयन जो है वो आपके पास क्या होता है? कैटायन, क्योंकि मेटल का है, और कार्बोनेट आयन क्या होता है आपके पास? एनायन। कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? CO3-2, इट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट आयन। और ये आपके पास क्या हो गया? मेटल आयन। अब मेटल की वैलेंसी तो आपके पास प्लस वन भी हो सकती है और मेटल की वैलेंसी तो आपके पास प्लस टू भी हो सकती है। लाइक आपके पास मैंने जैसे पहले आपको बताया था लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम, ये सारी मेटल्स आ गए, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? प्लस वन। आपके पास जैसे बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, इन सब की वैलेंसी आपके पास कितनी होगी? प्लस। ये भी मेटल है और ये भी आपके पास मेटल, इसकी वैलेंसी कितनी होगी आपके पास? माइनस टू, क्योंकि ऊपर चार्ज कितना है आपके पास? माइनस वन। तो फॉर्मूला तो आप बना ही सकते हो कि अगर आपके पास प्लस वन वैलेंसी वाले हो कोई भी एलिमेंट, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, तो मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या आएगा? M2CO3। यहाँ पे M का मीनिंग क्या हो जाएगा? या तो लिथियम या सोडियम या पोटेशियम, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, यानी कि लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट। अगर अपन इनकी बात करें तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? MCO3। M आपके पास क्या हो गया? बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है?
तो याद रखिएगा मेटल की वैलेंसी +1 हो सकती है, +2 हो सकती है, एल्यूमिनियम आ गया तो +3 हो सकती है। तो कैसे वैलेंसी से फॉर्मूला बनाना आता है आपने 9th में भी सीखा था, आपको स्टार्टिंग जब 10th स्टार्ट हुई तो मैंने भी करवाया था कैसे फॉर्मूला बनाना है। कार्बोनेट का ध्यान रखना है, कार्बोनेट तो CO3-2 ही होगा। तो ये तो बात हुई किसकी, मेटल कार्बोनेट की। ये सारे आपके पास क्या है, मेटल्स जिनकी वैलेंसी +1 है, ये सारी मेटल्स जिनकी वैलेंसी +2 है। अगर +1 हो तो मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला ये होगा, और +2 हो तो मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला ये होगा। जैसे MgCO3, जैसे CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर है यहाँ पे। अब बात करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, दैट व्हाट आर द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको अपन मेटल बाई कार्बोनेट भी कहते हैं ना। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में दो आयन होंगे, एक तो आपके पास मेटल आयन और एक आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, दो आयन होंगे, एक तो मेटल आयन होगा, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन होगा। मेटल आयन आपके पास, वापस वही बात है कि मेटल का अगर आयन है तो वो आपके पास क्या होगा, कैटायन, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का आयन है वो आपके पास क्या होगा, एनायन। ओके, अब इसकी बात करें तो इसका तो फॉर्मूला फिक्स रहेगा, HCO3-1, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी है, -1। इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी बच्चों, -1। मेटल जो है इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है, आपके पास +1 हो सकती है, +2 हो सकती है, +1 भी हो सकती है और +2 भी हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा। कि जैसे वापस बात कर लें कि मेरे पास लिथियम है, मेरे पास सोडियम है, मेरे पास पोटेशियम है, इन सब की वैलेंसी कितनी है बच्चों, +1। कितनी है, +1। मेरे पास यहाँ पे बेरिलियम है, मेरे पास मैग्नीशियम है, मेरे पास कैल्शियम है, तो इन सब की वैलेंसी आपके पास कितनी है, +2। इनकी वैलेंसी कितनी, +1। इसकी वैलेंसी कितनी, +2। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए, इनके लिए तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, MHCO3। क्या आएगा, MHCO3, और इनके लिए क्या आ जाएगा, दैट MHCO3 का होल ट्वाइस। ये आपके पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर ये मेटल्स हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, तो MHCO3, यानी कि लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब हो तो आपके पास MHCO3 का होल ट्वाइस। ये चीजें अगर क्लियर हो गई हो तो जल्दी से एक बार अपना हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन बात करेंगे कि जब ये केमिकल रिएक्शन करेगा एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे। अपने को तो ध्यान में क्या रखना है, मेन प्रोडक्ट ध्यान में रखना है, उसके अलावा रिएक्शनें तो बच्चा हजार हो सकती हैं। इतनी रिएक्शनें तो याद थोड़ी करोगे, अपने को तो तरीका समझना है, अपने को तो फॉर्मूला समझना है कि मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, और जब दोनों एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद तो अगर समझ आ गया तो आप बहुत सारी रिएक्शन जो है वो खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। जल्दी से अपने हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ओनली 19 स्टूडेंट्स हैं हैंड रेज में। चलिए फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब क्या है आपके पास मेन टॉपिक के, दैट रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट, ये अपने पास रिएक्शन। तो देखिए अगर आप एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ। अगर आप एसिड की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ करवाते हो।
मेटल कार्बोनेट के साथ करवाने पर आपको क्या क्या मिलेगा? आपको एक तो प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट, क्या मिलेगा बच्चों? सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। एक आपको प्रोडक्ट मिलेगा वाटर, प्लस एक आपको प्रोडक्ट मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, ये मिलेगा आपको सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब अगर आप इसकी रिएक्शन व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके साथ अगर आप एसिड की रिएक्शन करवाते हो, इसके साथ अगर अपन रिएक्शन करवाएंगे तो भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा, तो भी सेम आपके पास क्या आ जाएगा? सॉल्ट आ जाएगा प्लस वाटर आ जाएगा प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? CO2 गैस आ जाएगा। तो यानी कि अगर आप मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो भी वही प्रोडक्ट मिलेंगे, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराओगे तो भी वही प्रोडक्ट मिलेंगे। प्रोडक्ट आपके पास चेंज नहीं होंगे, प्रोडक्ट जो है वो आपके पास चेंज नहीं होंगे। तो अपने को तो दिमाग में क्या याद रखना है? अपने को तो दिमाग में ये बातें ही याद रखनी है जो मैंने ब्रैकेट में बॉक्स में बंद करी है। अपने को तोता नहीं बनना है कि अपन सारी रिएक्शन रटने बैठ जाए फटाफट फटाफट, एक दिन में 10 रटनी, एक दिन में 15 रटनी, रटनी नहीं है एकदम, है ना। रटाफिकेशन मेथड इज नॉट अलाउड। आपको तो ये दो चीजें ध्यान में रखनी है कि जब भी एसिड की रिएक्शन इसके साथ होगी तो ये तीन प्रोडक्ट मिलेंगे, और एसिड की रिएक्शन इसके साथ होगी तो भी आपको ये तीन प्रोडक्ट मिलेंगे। कि सर कैसे, आइए देख लेते हैं अपन। मान लीजिए कि आपने एसिड की रिएक्शन करवाई किसके साथ? Na2CO3 के साथ। Na2CO3 इज द कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब एक चीज में बच्चा एक बात बताऊं, रिएक्शन कोई भी करनी हो ना, आपको पता है कि कंपाउंड में एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, ये बात दिमाग में बिठा दो कि कोई भी दुनिया का कंपाउंड जो जिसकी अपन अभी बात कर रहे हैं, उस उन सारों में एक कैटायन होगा और एक आपके पास क्या होगा? एनायन, ठीक है ना। अगर आप दो अलग अलग कंपाउंड की रिएक्शनें करवाते हो तो रिएक्शन करवाने के बाद भी एक कंपाउंड का कैटायन दूसरे कंपाउंड के एनायन के साथ ही रिएक्शन करेगा, एक कंपाउंड का कैटायन दूसरे कंपाउंड के एनायन के साथ ही रिएक्शन करेगा। आपको फॉर्मूले बनाने आ गए। अब मैंने कहा बच्चों इन दोनों में से एनायन कौन सा है? आपने कहा सर Cl, क्योंकि हाइड्रोजन आगे आ रहा है ना, हाइड्रोजन आगे आ रहा है तो कैटायन होगा, Cl क्या हो गया आपके पास? एन है। मैंने कहा बच्चों इन दोनों में से कैटायन कौन सा है? आपने कहा सोडियम। आपने क्या कहा? सोडियम। मैंने कहा इन दोनों को अलग कर लो, अलग कर लिया तो आपके पास क्या आ गया? 2NaCl, सॉल्ट बन गया। बस बाकी अब देख लो क्या क्या बनाना है। वॉटर का फॉर्मूला आपको पता है और CO2 का भी पता है, ये आपके पास इक्वेशन हो गई। आपको रटनी पड़ी क्या? एकदम भी नहीं रटनी पड़ी। कोई ले आना रिएक्शन, आप कोई भी रिएक्शन ले आना, आपको रटनी नहीं पड़ेगी कि सर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवा दो। मैंने कहा आपने कहा और हम ना करवाएं, ऐसा हो सकता है क्या? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैंने कहा बच्चों इन दोनों में से एनायन कौन सा है? आपने कहा सर ऊपर Cl था तो नीचे हाइड्रोजन थोड़ी होगा, ऊपर Cl तो नीचे भी Cl। मैंने कहा इन दोनों में से कौन सा है कि सर सोडियम, कौन सा है? सोडियम। मैंने कहा दोनों को अलग कर दो, क्या हुआ? NaCl। अब रिमेनिंग आपको पता है क्या क्या बनेगा? H2O बनेगा और CO2। बोलो क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज कर दो, इक्वेशन क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज करो, हैंड रेज देखो बनते हैं। क्लास में बैठे होते तो कम से कम हमें यह सब सुनने को मिलता, बट अभी हैंड रेज हो जाता तो मजा आ जाता है कि हाँ चलो समझ आ गया जो करवाया है ना। एक दो एग्जाम्पल और करवा दें आप। ये ध्यान रखना हमेशा, बात दिमाग में बैठा लो आज। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड।
आपको एक मजे की बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है रामबाण इलाज के, हमेशा ध्यान रखना कि चाहे आप एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से करवाओ, किसी मेटल कार्बोनेट से करवाओ, किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाओ, किसी बेस से करवाओ, और चाहे आप मेटल के ऑक्साइड से कराओ, है ना, हमेशा आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज एसिड कभी एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। ये सब चीजें बेसिक कैरेक्टर की होती हैं, तो ये बेस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ, बेसिक कैरेक्टर है इनका, इसके कारण से हमेशा किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट, किसका फॉर्मेशन होता है आपके पास, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, एक दो रिएक्शन और देख लेते, कि सर आप एक काम करो, आप कराओ CaCO3 की रिएक्शन H2SO4। अरे मैंने क्या बात, CaCO3 को अपन क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, मार्बल कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं, अपने घरों में मार्बल रखते हैं ना, उसका फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, या उसको अपन लाइमस्टोन भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की आपकी डिमांड पे मैंने क्वेश्चन करवा रिएक्शन करवा दी H2SO4 के साथ, आपको सॉल्ट कौन सा मिलेगा अभी दो मिनट में पता चल जाएगा कि सर कैसे। मैंने कहा इन दोनों में कैटायन कौन सा जो आगे आ रहा है, यानी कि कैल्शियम, इन दोनों में एनायन कौन सा कि सर SO4। मैंने कहा दोनों को साथ लिख दो, हम साथ साथ CaSO4, क्या मिल गया आपको, सॉल्ट मिल गया। सॉल्ट के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एक तो वाटर आ जाएगा और एक आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, है ना, सिंपल बात है। मैंने कहा आपने कहा सर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवा दो, मैंने कहा यार आप कहो तो सही, अभी करवा देते हैं एसिड के साथ, इसके लिए एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की आपने रिएक्शन करवा दी, किसके साथ, H2O के साथ। तो क्या क्या बनेगा देखो, एक तो आपके पास बनेगा कैल्शियम, एक तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करो पहले, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, टू। सर ऐसा क्यों, मैंने कहा देखो CA है, HCO3 है, ये प्लस टू है, ये माइनस वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे कराएंगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा, है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा। मैंने कहा इसका कैटायन ले लो, इसका एनायन ले लो, सॉल्ट बना दो, सॉल्ट की रामायण खत्म। फिर अपने को तो वाटर का फॉर्मूला कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते, H2O + CO2। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, कितने हो गए, फोर, तो टू इसके आगे आ जाएगा। कार्बन कितने हैं, टू, टू उसके आगे आ जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो गई। और हर एक एलिमेंट चेक कर लीजिए, कैल्शियम यहाँ पे भी वन, वहां पे भी वन, हाइड्रोजन इस साइड फोर, वहां पे भी फोर, ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं, सिक्स है, उधर भी कितने हैं, सिक्स है, सल्फेट एक है, तो एक ही आपके पास सल्फेट आया, समझ में। ये भी आपके पास क्या हो गया कि रिएक्शन हो गई किसकी, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, किसके साथ, एसिड के साथ। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि देखो रिएक्शन मत रटे, आप मेन जो कंसेप्ट स्टार्टिंग में जो लाइंस लिखवाता हूँ उस लाइंस को आप समझें और कैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है वो देखें। आप कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, कि जैसे अपन पहले रिएक्शन ले रहे थे, मैंने कहा Na है +2HCl है, सॉल्ट बनाना है, तो ये कैटायन तो इधर एक ही है, एनायन ये आ गया, तो मिलके क्या बने, मिले जब सुरतु मेरा तुम्हारा, है ना, तो सॉल्ट बन जाता है NaCl प्लस आपके पास क्या आ गया H2। यहाँ पे भी तो अपन ने यही करा है, एक कंपाउंड का कैटायन दूसरे कंपाउंड का एनायन, दोनों को मिलाया, मिलते ही क्या बन गया, सॉल्ट। बाकी अपने को पता है H2O + CO2। अब आप कोई भी ले लीजिए, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिया, MgCO3, MgCO3 की रिएक्शन करवा दी आपने 2HCl के साथ, तो देखो MgCO3 में कैटायन कौन सा है, मैग्नीशियम, Cl क्या है आपके पास, Ni, तो क्या आ गया यहाँ पे MgCl2 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा H2O प्लस आपके पास क्या आ जाएगा CO2।
यही अगर आपके पास MgHCO3 होता प्लस 2HCl तो भी आपके पास कंपाउंड यही बन, सॉरी प्रोडक्ट यही बनता है MgCl2। यहाँ पे वाटर के टू मॉलिक्यूल्स और टू मॉलिक्यूल्स किसके आ जाते हैं C। ये रिएक्शन थी किसके साथ? एसिड की मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। कल किसी ने पूछा था मेरे से, सर बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, तो वो ही देख लेते हैं। रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब भी कोई एसिड रिएक्शन करता है बेस के साथ, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन इट फॉर्म सॉल्ट प्लस वॉटर। अपने को तो बॉक्स याद रखना है बच्चों, बॉक्स से बाहर नहीं याद रखना है। बाकी तो देखो दुनियादारी कुछ भी चलता रहेगा, है ना, बहुत सारी रिएक्शन है, किस किस को याद करोगे, इतना सा दिमाग है, फिजिक्स भी लर्न करनी, केमिस्ट्री भी करनी, बायोलॉजी भी करनी, हिंदी इंग्लिश सभी करनी है ना, मैथ्स सबसे बड़ा मैथ्स आपको लर्न करनी है। अपने को तो इतना सा बॉक्स, एसिड प्लस बेस, इससे किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट प्लस वॉटर का फॉर्मेशन। क्लियर है? एसिड प्लस बेस, इससे किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट प्लस वॉटर का। कोई भी एसिड ले लीजिए, लाइक से आपने ले लिया NaHCl। अब देखो रिएक्शन का कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट क्या सर, मैंने कहा इसका ले लो कैटायन तो इसका क्या होगा एनायन, इसका ले लिया कैटायन और इसका क्या ले लिया एनायन, तो दोनों ने मिलकर सॉल्ट बनाया NaCl प्लस आपके पास क्या आ गया H2। भाई एक कंपाउंड का कैटायन और दूसरे का एनायन, इसी से ही तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, इसी से ही तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का। जैसे एक और देख लेते हैं, H2SO4 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। मैंने कहा इन दोनों में से एनायन कौन सा, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों में से एनायन कौन सा है, कि सर एनायन तो वो होता, नाइन्थ में सीखा था कि एनायन तो वो होता है जो बाद में आता है, हमेशा कैटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, एनायन सल्फेट। अब यहाँ पे कैटायन कौन सा होगा, कैटायन होगा कैल्शियम, तो क्या हो गया आपके पास CaSO4 मिले, जब मेरा तुम्हारा सॉल्ट बन गया ना, कैल्शियम सल्फेट प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल, क्या आ गया आपके पास 2H2O। तो याद रखें जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो उस टाइप की रिएक्शन को अपन कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। और उससे हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का, और सॉल्ट प्लस किसका फॉर्मेशन हो जाता है, वो। क्लियर है? अब कल की क्लास में एक केमिकल प्रॉपर्टीज और रहती है एसिड की, दैट इज रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट व्हाट इज मेटल ऑक्साइड, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड कि कितने टाइप के एसिड होते हैं, उसके बाद अपन चलेंगे किसके बेस, ओके। तो मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू।